बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। HM3D की तरफ से ये तमाम दोस्तों को जी वेलकम कहता हूँ। देखें जी, मेरे पास ये छोटा सा स्केच है, तो हम क्या करते हैं, इसमें वॉल क्रिएट करते हैं। ये देखें, छोटा सा स्केच है, इसके हम वॉल क्रिएट करते हैं, फिर वॉल को हम रिसाइज करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल हमारी वॉल कोई 0.2 मीटर में हो गई है, तो हम उसको क्या करते हैं, 0.1 में यानी 10 सेंटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम वॉल क्रिएट करते हैं। वॉल के लिए जी क्या है जी, XWW एंटर, हमें 0.2 की वॉल चाहिए। ओके करें इसको और जस्ट पूरे को सेट करें। तो हमारी ये वॉल क्रिएट हो चुकी है जी। तो इसमें क्या करते हैं, हम जस्ट इसी को ही क्या करते हैं, बगैर विंडो लगाए या बगैर डोर लगाए, सिर्फ हम वॉल को ही रिस्केल करते हैं, रिसाइज करते हैं। तो उसके लिए क्या है जी, WWT में देखने वॉल थिकनेस में आप सेलेक्ट कर लें जो भी आपको वॉल चाहिए, 0.5 में चाहिए, 0.03 में चाहिए, 0.1 में चाहिए, वॉट एवर जो भी चाहिए, जस्ट क्लिक इट एंड ओके। ओके हो गया। फॉर एग्जाम्पल हमने इस वॉल को 0.2 वाली वॉल को हमने क्या करना है, 0.1 में कन्वर्ट करना है। तो जस्ट अगर इस साइड को आप सेलेक्ट करेंगे तो ये साइड आपकी मूव हो जाएगी। देखें जी, तो ये देखा जी, ये 10 की हो गई है, 10 सेंटी की, ये भी 10 सेंटी में हो गई, ये भी 10 सेंटी में हो गई। तो इसी तरह आप एक एक वॉल को सेलेक्ट कर सकते हैं जी। अगर इसको फॉर एग्जाम्पल वॉल थिकनेस इसको 0.3 में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ये 0.3 सेट करें, जस्ट ओके एंड क्लिक इट। तो अब ये वॉल क्या हमारी 0.30 सेंटी हो गई है जी। ये DD ये चेक करें जी, 0.3, ये देखें जी, ये 0.3। ओके जी, थैंक यू जी, गॉड ब्लेस यू। इंशाल्लाह जी मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। ओके जी, याद रखें।